नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट्स उसमें लिखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करते हैं पौधों की। तो पौधों की यानी कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में पौधों की कैसे देखरेख करें। तो ये हाँ कड़ी पत्ता है और कड़ी पत्ता सर्दियों में बहुत जल्दी से झड़ जाते हैं इसके पत्ते। तो इसकी देखरेख के लिए आप ये देखिए, इसके पत्ते जैसे कि झड़ने लग गए हैं। तो यहाँ एकदम से खाली सा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। और सर्दियों में जैसे हमें कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पहले तो इसे हम एक सैडी प्लेस में रखें। सैडी प्लेस में वहाँ जहाँ इसमें धूप भी आए, दिन भर की धूप भी पड़े, क्योंकि सर्दियों में धूप थोड़ी कम हो जाती है। पहाड़ों में तो होती है, लेकिन जैसे दिल्ली में बहुत कम धूप आती है सर्दियों में। तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ धूप भी लगती रहे और यहाँ जैसे रात को जो ओस गिरती है, पाला गिरता है, उससे बचा हुआ रहे। तो आपका यहाँ प्लांट्स बहुत अच्छे से रहेगा। और एक वाटर इसको रोज़ रोज़ ना डालें, किसी भी प्लांट को वाटर से डेली ना डालें। यहाँ देखिए सर्दियों के कारण यहाँ कैसे पीले पड़ते जा रहे हैं पौधे, लेकिन यहाँ पौधे फिर फरवरी के आते ही बहुत हरे भरे हो जाते हैं। बस आपको इनमें पानी जो है वो वीक में वन डे दें आप। यहाँ तो इसकी मिट्टी को जांच लें कि मिट्टी अगर बिल्कुल सूखी सी है तो ही पानी डालें। मैं भी डेली पानी नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ मेरे क्योंकि सैडी प्लेस में है और धूप भी इनमें पड़ रही है और आजकल थोड़े से कीड़े से लग जाते हैं पौधों में, क्योंकि हम जब पानी उनमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप उसमें जाँचते रहें, अगर जो पत्तों में थोड़ा सा जैसे छेद छेद से हो रहे हैं तो उसमें आप फंगीसाइड पाउडर से डाल दें। कुछ भी लिक्विड का यूज ना करें आजकल। और यहाँ देखिए पान की बेल को भी आप सेडी प्लेस में रखें और इसमें भी डेली पानी ना दें, क्योंकि यहाँ फिर सड़ने लग जाएगा। और मैं भी इसमें डेली पानी नहीं देती हूँ, उसकी मिट्टी को चेक करती हूँ। और आजकल ये थोड़ा सा पीला पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज़ धूप नहीं है, इसे धूप भी चाहिए और नमी भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा पीला सा पड़ने लग गया। और जैसी थोड़ी धूप आ जाएगी तो सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए चाइनीज़ ऑरेंज में भी थोड़ा सा कम मात्रा में चाइनीज़ ऑरेंज लगे हुए हैं। और इस तरह से आप सैडी प्लेस बनाने के लिए आप ये ग्रीन नेट वाला कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोई बड़ी सी पॉलीथीन होती है वो रात के समय में पौधों के ऊपर रख दें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है कि फिर सुबह पॉलीथीन को हटा दिया और पौधे आपके बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपने उन्हें क्योंकि ओस से और पाले से बचाना है। और यहाँ देखिए एडेनियम में बिल्कुल पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं, तो घबराएं नहीं, इनमें फिर से पत्ते आने लग जाते हैं फरवरी में। और इसकी मिट्टी देखिए, मैंने कितने दिन इसमें पहले पानी डाला था, मतलब कि मेरे से गलती से डल गया था और मिट्टी उसकी वो है गीली है अभी तक, और जबकि दूसरी में बिल्कुल ही सूखी हुई है क्योंकि एक ही पौधे में गलती से पानी डल गया था। और यहाँ देखिए पत्ते इनके झड़ने लग गए हैं, सर्दियों में झड़ जाते हैं और फिर से फरवरी में यहाँ फ्लावरिंग भी देता है और इसके लीव्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अब इसके पत्ते झड़ गए और यह ख़राब होने लग गया है। और यहाँ मैंने जो बोनसाई बनाया था उसमें भी अभी तक वाटर बिल्कुल सूखा नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें वाटर बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। और अब बारी आती है खाद की, तो आप इसमें खाद सिर्फ गोबर की खाद दें, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है पौधों के लिए, तो गोबर की खाद ही आप लोग पौधों में आजकल डालें। लिक्विड वाली खाद का बिल्कुल भी यूज ना करें।
और जब भी गोबर की खाद दें तो पानी का यूज न करें, क्योंकि गोबर की खाद आप डालेंगे और फिर पानी डालेंगे तो वहाँ पानी सूखेगा नहीं और पौधों को उससे नुकसान हो सकता है। तो जब भी मिट्टी को आप देखें कि सूख गई है तभी पानी डालें। सैक्लोन प्लांट्स बिल्कुल ही, मतलब सैक्लोन प्लांट को तो आपने ऐसे बचा के रखना है कि इन्हें ना ओस लगनी चाहिए ना पाला गिरना चाहिए। इन्हें सेडी प्लेस में रखें और ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल धूप अच्छी खासी आती हो। और आगे मैं आपको बता रही हूँ वो तुलसी के बारे में। और ये तुलसी की बहुत ज़रूरत होती है सर्दियों में, लेकिन तुलसी हमारी झड़ जाती है सर्दियों में, बिल्कुल पेड़ खाली सा हो जाता है और फिर मतलब वो सूखने भी लग जाता है, बिल्कुल तुलसी ख़त्म सी हो जाती है सर्दियों में। लेकिन इसे आप बचाने का वही तरीका है कि आप सेडी प्लेस में रखें और धूप जहाँ पड़ती रहे और बहुत ज़्यादा पानी ना दें। और यहाँ तो सैडी प्लेस में नहीं है आपके पास में जगह, तो आप इसके ऊपर शाम के समय में एक पॉलोथीन अवश्य रख दें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।